छोवी कहानी परमेश्वर ईसा कले इंतजाम करा सा। जब अब्राहम बोरी बूढ़ा हुई गो तेबी तेसरो छोरु इसहाक एक मोरदारी उम्री रो हुई गो थो। तेथीले अब्राहम अपनो एक नुकुर अपने छोरु ईसा कले दूजे देश दी बोटी अन्नले भेजो जिये तेसरे रिश्तेदार रो थे। जिये अब्राहम रे रिश्तेदार रो थे तेस देश दी डेणोले एक लंबे सफर वासी तेस नुकरारी मुलाकात रिबका को कराई से अब्राहम रे भाई री कोनाल्डी थी। रिबका अपने टोबरा छाड़ियो तेस नुकर आईले मानी गई। जिनी से पहुंचे इसाक ती आईले शादी करी गई। एक लंबे वक्त बसिए अब्राहम मोरी गोवा तबे परमेश्वर अब्राहम रे छोरू इसाक ले अब्राहम आईले बनो ओंदो वायदेरी बजा को आशीष देई। तेस वचना दी परमेश्वर एक वायदा थो कि अब्राहम रे अनगिनत वंशु आई पर रिबका रे कोई भी लोल्डे नहीं हुए। इसाक के रिबका ले प्रार्थना की और परमेश्वर तियर गर्भ जुड़ा लोल्डे उणे रे लायक कियो। जिस वक्त से छोरू तियर गर्भ दी थे से आपू मंजी पीटी दे लगे। इथीले जो कुछ ओंदे थो लागोंदो रिबका परमेश्वर आईले बोली रो। परमेश्वर रिबका ले बोलो तू दुई लोल्डे पैदे कराई और तियारे वंश दुई अलग अलग जाति रे बनाई और बड़े छोरू को पैदे होने वाली जाति छोटे छोरू रे लोल्डे री आज्ञा जा माननी। जब भी रिबका रे लोल्डे हुए तब बड़ो छोरू रातो और बाला वाला थो और तीवें तेसरो नाव एसाब छाड़ो और छोटो छोरू ऐसा बारा फाइने पकड़ियो पैदा हुआ और तीवें तेसरो नाव याकूब छाड़ो।